अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। सोशल स्टडीज़ की पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया था, जॉब वेल डन। बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। कितने सारे प्रोफेशंस हैं, हमारी फैमिली में मौजूद हैं, हमारे नेबर्स में मौजूद हैं, स्कूल में फ्रेंड्स से पूछें तो आपको मज़ीद प्रोफेशंस के बारे में पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मुझे ख़्याल आया कि हमने प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा, तो आपको पता है प्रोफेशंस जब डिफरेंट होते हैं तो यूनिफॉर्म्स भी डिफरेंट होते हैं जी। डॉक्टर के पास क्या होता है? डॉक्टर्स का अपना कोट होता है, अपना सर्जरी का यूनिफॉर्म उनका एक अलग होता है, ड्रेस उनका। ऑपरेशन थिएटर का ओटी के ड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, यानी कितनी सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। अगर पुलिसमैन की बात करें तो क्या होता है जी, पुलिस का तो यूनिफॉर्म ही डिफरेंट होता है बिल्कुल। उनकी कैप होती है, उनका अलग ड्रेसिंग होती है। और जनाब, और अगर हम बात करें किसकी, अगर कोई आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है जो फील्ड पे जाके काम कर रहा है, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसका भी तो यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। आपने देखा है एक कैप होती है हार्ड सी जो वो लोग पहनते हैं जब वो इस तरह की फील्ड्स में, इस तरह के एरियाज में मौजूद होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं जी। यानी के प्रोफेशंस जो हैं हमारे पास, हर प्रोफेशन की ड्रेसिंग भी डिफरेंट होती है। काम तो डिफरेंट है ही सबके, सब अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग भी डिफरेंट होती है। एस्ट्रोनॉट्स को देखा है आपने कभी? पिक्चर्स तो देखी होंगी ना एस्ट्रोनॉट्स की, नहीं देखी तो ज़रूर सर्च कीजिएगा और देखिएगा। एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो बिल्कुल ही अलग एक ड्रेस पहनते हैं जी। उनके साथ पाइप भी होता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होते हैं बैक पे, यानी बिल्कुल डिफरेंट ड्रेसिंग होती है। इस तरह से जब मैंने भी बाहर, जब मैं छोटी थी बाहर जाती थी, ऑब्ज़र्व करती थी मुख्तलिफ जगहों पे, तो मुझे यही पता लगता था कि अरे इन्होंने ऐसा यूनिफॉर्म क्यों पहना है। अच्छा, फिर मेरी मम्मा या पापा बताते थे कि ये डॉक्टर हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कोट और इस तरह का ग्रीन यूनिफॉर्म ओटी ड्रेस पहना है या कोई सर्जरी के ड्रेस पहने हुए हैं। और पता चला मुझे कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। पुलिस डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में हमें रोड्स पे नज़र आती थी। और अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो उनका डिफरेंट यूनिफॉर्म होता है। जो हमारी बाकी लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस डिपार्टमेंट हैं उनका यूनिफॉर्म अलग होता है। यानी कितनी चीज़ें मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती हैं। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? चलें अब कीजिएगा अगर नहीं किया है। जब भी कहीं बाहर जाएं तो नोट डाउन कीजिएगा कि किसका कैसा यूनिफॉर्म है। इवन जो हमारे पास स्वीपर्स काम करते हैं, आप देखेंगे मॉल्स वगैरह जाएंगे तो उनके भी यूनिफॉर्म डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, जो उनकी पहचान होते हैं। जो एयर होस्टेस होती हैं उनका भी यूनिफॉर्म होता है, वो भी एक अलग ड्रेसिंग करती हैं। यानी सब बिल्कुल अलग, अपनी उनकी अपनी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। आपने ऑब्ज़र्व करना है इस चीज़ को, ठीक। तो चलें अब बात करते हैं आगे कुछ के आज हमें क्या करना है। बातें तो बहुत सारी हो गई जी। आज हम सोशल स्टडीज़ के क्लास में अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। कौन सा चैप्टर है ये? ये है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 14। जी हाँ, 14 चैप्टर है। और आपको पता है एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो 14 चैप्टर है ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। वाओ, हमने इतना सारा काम कंप्लीट कर लिया। ख्याल रखिएगा कि तमाम चैप्टर्स का काम आपकी कॉपी में और बुक्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बी। साथ पढ़िए आई वॉन्ट टू बी। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अच्छा, आप क्या कहेंगे आई वॉन्ट टू बी अ
अच्छा, सबके मुख्तलिफ मुख्तलिफ जवाब होंगे। चले आज हम क्या करते हैं, आज जो है हमने बातें बहुत सारी कर ली, प्रोफेशंस के बारे में समझा, आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि मैं किस प्रोफेशन में जाऊंगी। अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। बुक क्लोज करके रख दीजिए और पूरी तवज्जो के साथ इस चैप्टर को सुनिए। जी यहाँ क्या लिखा है, कौन बता रहा है? उमर इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। उमर जो है वो एयरपोर्ट जा रहे थे। दे विल फ्लाई टू लाहौर टुडे, और उन्हें लाहौर जाना था आज। हैज अंकल उस्मान लिव्स देयर, अंकल उस्मान रहते थे वहाँ पे। डैड व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज अंकल उस्मान डू, आस्क्ड उमर। उमर ने अपने पापा से पूछा कि अंकल उस्मान क्या काम करते हैं। ही इज अ डॉक्टर, रिप्लाइड हिज डैड। उनके डैड ने रिप्लाई किया कि वो डॉक्टर हैं। उमर गॉट एक्साइटेड, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर डैड। और फिर उमर ने कहा मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। ऑन हिज वे ही सॉ अ पुलिस कार, ही सेड आई वॉन्ट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। और जब रास्ते में उमर ने पुलिस की गाड़ी देखी तो उमर ने कहा मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। थ्रू द ग्लास वॉल ही सॉ सम पीपल डूइंग सम वर्क अंडर द एयरप्लेन। उसने ग्लास वॉल्स के बाहर देखा तो उसने देखा कि कुछ लोग जो है वो एरोप्लेन के पास, जहाज के पास कुछ काम कर रहे थे। ओह आई वॉन्ट टू बी एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, उमर ने फिर चेंज कर लिया अपना डिसीजन और अब कहा कि मैं अब एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वाइल गोइंग इन साइड ही सॉ द पायलट इन द कॉकपिट, और जब वो प्लेन में गया तो उसने देखा कि कॉकपिट में पायलट है। ही शाउटेड आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, और उसने शाउट किया कि मुझे पायलट बनना है। सीटेड बिसाइड हिम ऑन हिज लेफ्ट साइड वर अ टीवी प्रोड्यूसर एंड एन आर्किटेक्ट ऑन हिज राइट साइड। जब वो प्लेन में बैठा तो उसके एक साइड पे टीवी प्रोड्यूसर थे और एक साइड पे आर्किटेक्ट मौजूद थे। व्हाइल टॉकिंग टू देम अबाउट देयर वर्क ही थॉट आई वॉन्ट टू बी एन आर्किटेक्ट और अ प्रोड्यूसर। जब वो उनसे बातें करने लगा तो सोचने लगा कि मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ या आर्किटेक्ट। फिर क्या हुआ देखते हैं। दे फाइनली लैंडेड एट लाहौर एयरपोर्ट, और फिर वो फाइनली लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। अंकल उस्मान वॉज देयर टू रिसीव देम, अंकल उस्मान वहाँ पे मौजूद थे उन्हें रिसीव करने के लिए। दे रीच्ड होम आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद वो घर पे मौजूद थे। एट डिनर डैड वॉज टेलिंग अंकल उस्मान अबाउट उमर्स कन्फ्यूजन और वॉट ही वॉन्ट्स टू बिकम वेन ही ग्रोज अप। जब रात के खाने का वक्त हुआ, डिनर का टाइम हुआ, तो डैड ने अंकल उस्मान को बताया कि उमर कन्फ्यूज है कि उसे क्या बनना चाहिए बड़े होकर। दे ऑल लाफ्ड एंड एंजॉयड, और सब हंसने लगे इस बात पे। अंकल उस्मान टर्न टूवर्ड्स उमर एंड सेड I always thought that you wanted to be a doctor like me. कि भाई मैं सोचता था कि आप हमेशा सोचते हैं आपको मुझ जैसा डॉक्टर बनना है। उमर thought, a doctor, a pilot, a police officer, an aircraft engineer, an architect, or a TV producer. What should I become? ओहो, उमर तो भाई still confused हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं कि मुझे इतने सारे प्रोफेशंस में से क्या बनना है। तो क्या आप भी किसी ऐसे कंफ्यूजन का शिकार हैं? चलें इसके बारे में अपने मम्मी पापा से ज़रूर बात करें। ये तो मज़ेदार सा चैप्टर था। उमर बहुत कंफ्यूज है, उमर जहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें जिस प्रोफेशन के लोग नज़र आते हैं, ही थॉट आई वॉन्ट टू बी दैट वन। जी हाँ, तो जनाब अब क्या काम करना है आपने? चैप्टर तो आपने सुन लिया है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा। सबसे पहले बताएंगे आपने क्या ऑब्जर्व किया, कितने लोगों को देखा, उनका ताल्लुक किस प्रोफेशन से था, यूनिफॉर्म्स में क्या ख़ास बात देखी आपने, उनके कितने डिफरेंट थे। साथ साथ बताइएगा अपनी टीचर को कि आप क्या बनना चाहते हैं, कौन से प्रोफेशंस आपके दिमाग में हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को बताएंगे और मैं फिर आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.